नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है राज्यसभा में शिवसेना के सदस्य और उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता और उनके लीडर संजय राउत की। राउत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीधी बात करनी पड़ेगी आपको। शिवसेना के लोग बाल ठाकरे जी सीधी बात करते थे, कभी टेढ़ी भी कर देते थे। टेढ़ी भी कर लीजिए, वो भी चलेगी, पर उल्टी मत करिए। क्योंकि आप इतने 30 साल से संपादक हैं, कई चीजें आपने लिखी जो कंट्रोवर्सी होती रही, तो मैं थोड़ा हिस्ट्री पढ़ रहा था। मेरे को लगता था कि संजय राउत जो है अब क्या है, उनकी आइडेंटिटी क्या है। आप हिंदूवादी हैं, सेकुलरवादी हैं, जिसे कहते हैं आप हिंदू जीवी, जो अगर मोदी की लैंग्वेज यूज करें, या आप सत्ता जीवी हैं। बदलाव आ गया फिर एडिटोरियल्स में। देखिए, सत्ता जीवी तो हम कभी नहीं थे, सबको मालूम है। अगर हम सत्ता जीवी होते तो 25 साल तक बीजेपी के साथ इतनी प्यारी गहरी दोस्ती हमारी नहीं रहती। अगर सत्ता जीवी होते तो सिर्फ हम हिंदू जीवी जरूर रहे। बाला साहब ठाकरे जी का जो उल्लेख होता है, हिंदू हृदय सम्राट के नाम से लोग आज भी जानते हैं उनको। उनकी लोगों की श्रद्धा आज भी उनके ऊपर है, चाहे वो हमारे साथ आज नहीं है, लेकिन लोग आज भी उनके ऊपर श्रद्धा रखते हैं। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जब नाम लेते हैं तो सीना सभी का, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। तो हम हिंदू जीवी जरूर है, लेकिन हम शिवसेना इस संगठन से जुड़ी हमारी जनरेशन, वो उस वक्त जो हमारी लड़ाई चली महाराष्ट्र में, सन ऑफ सोइल, भूमिपुत्रों की लड़ाई, 1966 से शिवसेना जब शुरू, वहां से जो 60 साल हो गए पार्टी को, 60 साल एक पार्टी चलाना, खड़ी रहना और यहां तक लाना, ये कोई आसान चीज नहीं है प्रभु साहब। सत्ता जीवी तो हो गए ना, आपने कहा कि 25 साल बीजेपी के साथ रहे, सत्ता में रहे 10 साल, तो उसके बाद सेंटर में भी रहे और अब भी सत्ता के लिए सत्ता में है। उसका मतलब सत्ता जीवी नहीं, ये हमारी मजबूरी है। बहुत बार ये मजबूरी भी होती है, जब हम राजनीति में आते हैं तो हम साधु संत तो नहीं होते कोई भी। पहले बड़े मौके आए थे तब भी आप एनसीपी के साथ और कांग्रेस साथ समझौता कर सकते थे। 2004 में भी आया, प्रमोद महाजनब थे, लगता था कि हमने किसी के साथ सत्ता के लिए समझौता नहीं किया कि हमें सिर्फ सत्ता चाहिए, इसलिए समझौता। इस बार कांग्रेस समझौता क्यों किया? समझौता नहीं, मैंने कहा ना कि ये हमारे ऊपर बीजेपी ने थोप दिया। थोपते आपको उनकी तरफ ढकेल दिया? हमको ढकेल दिया कि आपको अब हम आपके साथ रहना नहीं चाहते। 2014 में गठबंधन हमने नहीं तोड़ा बीजेपी के साथ, बीजेपी ने हमारा गठबंधन तोड़ा है। हम तो कहते थे कि हम हिंदू एक विचारधारा लेकर एक साथ आए, बाला साहब, अडवाणी साहब, प्रबोध महाजन, वाजपेयी जी, और अब मोदी जी की लहर आपको दिखती है, इसलिए आप हमारे साथ इस प्रकार से व्यापार व्यवहार करते हो, सीट बंटवारों का, ये ठीक नहीं है। जो भी जायज है हम एक दूसरे के साथ बांट कर। सीट बंटवारा भी सत्ता का पार्ट है ना, कि आपको ज्यादा सीटें चाहिए तो आपको सत्ता मिल जाएगी। देखिए, महाराष्ट्र में एक फॉर्मूला हमेशा बना रहा था। ये फॉर्मूला ऐसा था, बाला साहब ठाकरे जी का एक फॉर्मूला हमेशा रहा कि किसी भी हालत में दिल्ली में बीजेपी की सत्ता होनी चाहिए, चाहे हमें दिल्ली में कुछ मिले या ना मिले, महाराष्ट्र में हम काम करेंगे। दिल्ली में आप हमारे बड़े भाई हैं, हम आपका आदेश जरूर मानेंगे, आप जो कहे हम ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर करेंगे, जहां हमारा समर्थन चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र में हमें काम करने दीजिए, महाराष्ट्र में हम बड़े भाई हैं। हाँ, आप चीफ सेक्रेटरी आप ही बने, बीजेपी वाले नंबर टू थे आपके साथ हमेशा। लेकिन अचानक ये फॉर्मूला बीजेपी को रास नहीं आया और महाराष्ट्र में भी हम रहेंगे, दिल्ली में भी हम रहेंगे। देवेंद्र फडणवीस जब बने तो आपने मान लिया ना बीजेपी का भी चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। देखिए, एक ऐसा सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज किया आपने, किया इसलिए कि हम ये नहीं चाहते थे कि एक गठबंधन जो टूटा था वो ज्यादा बिखर जाए। इस बार क्यों नहीं माना वो फॉर्मूला? नहीं, इस बार नहीं माना तो आपने सुना होगा कि उद्धव ठाकरे साहब ने जो बात कही और कैमरा के सामने देवेंद्र फडणवीस ने अमित शाह जी के सामने कही कि क्या पावर शेयरिंग 50-50। ये तो कैमरे के सामने की बात है। पावर शेयरिंग 50-50, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो नहीं कही थी ना। क्या मुख्यमंत्री पद क्या एनजीओ का पद है क्या? मुख्यमंत्री पद भी पावर है ना। पावर है पर तो मुख्यमंत्री पद पावर शेयरिंग में 50-50 में 2.5 साल आपका मुख्यमंत्री, 2.5 साल हमारा मुख्यमंत्री। और ये बात एक बंद कमरे में जो बाला साहब ठाकरे जहां बैठे थे, आपने भी देखा है, मैंने इंटरव्यू किया उस कमरे में, बाला साहब के कमरे में अमित शाह जी और उद्धव जी की बात हुई है। ये उद्धव जी का कहना है, हम हमारे नेता पर विश्वास रखते हैं।
पर अमित शाह जी ने शायद उसको डिनाई किया, 1.5 साल के बाद डिनाई किया है, 1.5 साल लगा ये डिनाई करने के लिए। लेकिन मैं, मेरा नेता जो है उद्धव ठाकरे, उसके ऊपर विश्वास रखता हूं, क्योंकि आपके लिए वो कमरा होगा, हमारे लिए मंदिर है।